तो दरभंगा जो महाराज थे ना लक्ष्मेश्वर सिंह जी, तो उनको महाराजा धीराज भी कहा जाता था बिकॉज। फिर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मिथिला ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो हम लोग का वीडियो नहीं है दरभंगा के म्यूजियम के बारे में, आप पहले देख लीजिए वीडियो, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि नहीं अभी दरभंगा के म्यूजियम का आप बता दिए थे, ये दूसरा वीडियो किसके ऊपर आया, तो मोबाइल पकड़े अपना टिप 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 कमेंट कर रहे, तो वो वाली बात नहीं है, बता रहे हैं थोड़ा सा, क्या करते, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा उसके बाद बता रहे हैं, आराम से बता रहे हैं आपको। तो दरभंगा जो महाराज थे ना लक्ष्मेश्वर सिंह जी, तो उनको महाराजा धीराज भी कहा जाता था बिकॉज वो जितना कमाते थे उतना खर्च भी करते थे। उनका हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, बट ये आपको बता रहे हैं कि बहुत एक समय ऐसा था ना कि बिहार में रोल्स रॉयस चलता था, बिहार के दरभंगा जिले में, और आज एक ऐसा समय कि बिहार में ही रोल्स रॉयस नहीं चलता है, ये हमारा मतलब इतिहास हो चुका है दरभंगा मतलब बिहार का। और बताते हैं ये कौन थे, तो दरभंगा महाराज बहुत नामी थे, उनका ही आज दिया हुआ यूनिवर्सिटी है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में नाम करा, ये दरभंगा विश्वविद्यालय LNMU और संस्कृति एक कैंपस में दो यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द इंडिया कह सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं उनका म्यूजियम के बारे में, दरभंगा महाराज का खुद का एक म्यूजियम है, लाइक मतलब जैसे होता है ना हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक म्यूजियम होता है, पटना की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पटना राजधानी है, एक नया म्यूजियम एक पुराना म्यूजियम उसका अलग बात है, बट मैं दरभंगा की बात कर रहा हूँ, दरभंगा महाराज का एक सेपरेट अलग से म्यूजियम है उनका। तो उस म्यूजियम के अंदर मैं गया था तो हमको क्या क्या देखने को मिला, पहला दरभंगा महाराज का सिंहासन, दूसरा हाथी के दांत का चेयर, फिर बहुत सारा घड़ी मिला, फिर मतलब क्या कहते हैं चांदी का टेबल मिला, उनका डाइनिंग टेबल मिला नहीं मतलब मिला मतलब ये नहीं घर ले गया, मतलब वहाँ मुझे देखने को मिला, लाइक मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग बहुत बहुत तेज हो, मतलब क्या कहते हैं आप लोग सोचने लगते हो ना मिला यानी मैं घर नहीं ले आया उसको, उस चेयर पे हाथी के चेयर पे बैठ के हाथी के दांत के चेयर पे बैठ के मैं वीडियो नहीं बना रहा, जस्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये सब वहाँ पे मुझे देखने को मिला। और दरभंगा अपने आप में गौरवशाली इतिहास रखता है, लाइक आप देख सकते हो दरभंगा आज के टाइम पे दरभंगा में कुछ नहीं है बट इतिहास इसका बहुत मजबूत था यार, लाइक दरभंगा मधुबनी और समस्तीपुर तीनों तिरहुत था यानी तीनों एक ही डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, तीनों और तीनों का हेडक्वार्टर दरभंगा आज भी है, आज भी अगर आप कभी किसी भी मतलब पढ़ाई लिखाई काम करते हो ना तो तीनों का हेडक्वार्टर दरभंगा ही पड़ता है, लाइक ट्वेल्थ का अगर कोई बोर्ड का परीक्षा देते हो तो दरभंगा ही उसका पेपर आता है, बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का काम धाम सब दरभंगा से होता है, LNMU ही संभालता है, सोच सकते हो। वे बोलेंगे कि दरभंगा अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली इतिहास रखता था और मजबूत इतिहास रखता था, बट आज के टाइम पे दरभंगा में देखा जाए तो कुछ नहीं, हो सकता है कुछ आज रोल्स रॉयस कार एक टाइम था दरभंगा में बहुत सारा चलता था, आज पूरा बिहार में नहीं है, कैसा दिन आ गया। वे कहेंगे कि उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो हम पसंद आई, इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट के टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।